हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द बायोलॉजी ऑफ नाइन्थ क्लास। सो इन नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा, फर्स्ट चैप्टर्स, फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था सेल के बारे में, सेल की खोज किसने करी, सेल की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने 1665। सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी किसने बताई थी, स्लाइडर एंड श्वान। ओके, ये सेल थ्योरी बताई थी। इसके बाद में सेल को डिस्कवरर, मतलब सेल के डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता, डिस्कवरर इट मींस दैट खोजकर्ता है ना, फादर ऑफ सेल, तो रॉबर्ट हुक 1665। सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ओके, रॉबर्ट ब्राउन। बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स की बहुत सारी ग्रुप जो है ना, सेल के बहुत सारे ग्रुप आपस मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड organ system, and group of organ system is called organisms। ओके, सबसे छोटी इकाई सेल होती है, बहुत सारी सेल आपस मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब आपस मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन से मतलब अंग, ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अंग, और ऑर्गन सिस्टम मतलब कोई अंगों का कोई सिस्टम, तंत्र। अगर एक सिस्टम की बात करें, किसी एक की सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की ले लेते हैं यहां पर, मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप जो है ना वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब एनिमल बनाते हैं, जीव बनाते हैं, ठीक। अगर एक सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन होते हैं, इसमें माउथ होता है, ओएसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बोलते हैं जिसे, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत बोलते देते जिसे, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम होता है और एनस होता है, ठीक। मैंने क्या बताया था, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, सो दीज आर द ऑर्गन है ना, दे कंबाइंस टुगेदर एंड मेक डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ओके। So, ये तो बात हो गई सेल की, ठीक। बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से चलती है, फिर टिश्यू, ठीक। अब सेल के बारे में बता दिया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, और टिश्यू के बारे में सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू। अगर टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जाती है क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, सेल्स, सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो क्या है, देखने में एक जैसा और एक जैसा ही कार्य करता हो, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ओके। तो ये था सेल और सेल थ्योरी के बारे में, सेल, सेल थ्योरी, न्यूक्लियर, सेल, और ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।